हर बार जीतना लाजमी नहीं होता, अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग झुंड फिल्म का है। बट अ ब्यूटीफुल डे टू बिगिन विद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू झुंड। तो मैंने अपने दोस्त को ये डायलॉग सुनाया तो उसने कहा ये तो शादीशुदा बंदों पर लागू होता है। मैंने कहा क्या बंदों को बताएं, तो इसलिए अगर किसी बंदे को ये रिव्यू लेंथी लगे तो ये अपॉलॉजी है। तो मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। कॉलेज और स्कूल में ये क्रिकेट के मैच होते थे अचानक ही खेलते, तो एक लड़का था फुटबॉल में बड़ा, वो फुटबॉल ही खेलता था ज़्यादातर। तो उसको कहा यार फील्डिंग के लिए बंदा नहीं है, तो आप इस तरह खड़ा कैसे इस तरह करें, ये लहमत है मैन जो एक आखिरी बंदा है तो इसको खड़ा कर लें। उन्होंने कहा ठीक है। वो भाई हीरो बन के ना वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की वो ग्लासेस चली थी सन ग्लासेस, वो पहन के खड़ा कर दो। उन्होंने कहा एक्स्ट्रा कवर के क्लिप खड़ा कर दो, यहाँ पर तो कोई बॉल भी नहीं आएगी। वो बैट्समैन बड़ा अच्छा था उस वक्त लड़का, तो उसने बड़ा फेंटा लगाया, छक्के चौके लगाए हैं। अचानक उसने कहा कि यार मैं फील्डिंग इन्होंने तंग कर दी है, तो मैं ना एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारता हूँ, इससे तो पकड़ी भी नहीं जाएगी। वो बॉल जैसी आई तो उसके हाथ में बिल्कुल, मैं याद, मुझे याद है अभी, हाथ में इसी तरह आ गई बॉल सीधे कैच। मैंने तो इतनी शॉर्ट हिट लगाई, अच्छी लगाई, वो इसके पास कैच कैच कैसे आ गया। वो माने ना इसको, कहते यार ये तो ऐसे तुमने खड़ा कर लिया। अब वही लड़का जिसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हुई, एनुअल टूर्नामेंट में फुटबॉल खेलता था लेकिन सीनियर कोई प्लेयर नहीं था, तो उसे ना कहा यार तू क्रिकेट का कैप्टन बन जा। वो क्रिकेट का कैप्टन बन गया, क्रिकेट का मैच जीत भी गई टीम। क्रिकेट का वो कैप्टन जिसको क्रिकेट की ABC नहीं पता, वो टीम को रन करके जीत गया। उसे पता था टीम के सारे खेलने वाले। उन्होंने कहा भाई देखो मेरी बात सुनो, जो बॉलर्स हैं वो पहले चले जाए, जो बैट्समैन है वो इस जगह ये फिट हो जाएंगे, मुझे पता है ये ऑर्डर क्रिएट किया, बस कर लो। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं पूरे मैच में बोलूँगा नहीं, ठीक है, जो वाइस कैप्टन है वो ये सारा कुछ कर ले तो बेहतर हो। सब कुछ हो गया था लेकिन उसने अपनी पहली डिसीजन सेट कर दी थी और जीत भी गया था। तो कहने का मतलब ये है, हम सोसाइटी में कुछ भी चीज़ें नेगेटिविटी अपने ही घर से या अपने ही करीब से शुरू करते हैं। किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए कि मैं कौन सी चीज़ें नेगेटिव कर रहा हूँ जिसका अपनी सोसाइटी पर बुरा असर पड़ रहा है। एक अच्छा टॉपिक बड़ी देर बाद आया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी डायलॉग्स थे, और एक जगह उन्होंने देखो फिल्म में ये नहीं है डायलॉग होते हैं, फिल्म में वो आपको डिटेल्स दिखाना चाहते हैं, क्या डिटेल्स हैं क्या नहीं है, कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। बाहर में ज़्यादातर जितने भी लोग मूवीज़ देखते हैं वो इस तरह की फिल्म्स को, स्पेशली जापान में, वो डिटेल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, ये डिटेल्स किस तरह ही है पेंसिल के, ये ग्राफिक्स वगैरह ये किस तरह है, और सारी चीज़ को वो देखते हैं। अगर आप एनिमेशंस में हो तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। और इधर भी उन्होंने दिखाया है कि दीवार के ऊपर से कूड़ा फेंक दिया और वो सारा कूड़ा स्लम के लोगों पर गया। अगर हम अपनी दीवार खड़ी कर कर लोगों के दरमियान एक ब्रिज क्रिएट नहीं करते और वो कूड़े में वही लोग धंसे जाते हैं, तो एट दी एंड हम उनके लिए बेनिफिट क्या कर रहे हैं, और फिर उनको ब्लेम भी करना कि ये सोसाइटी का कीचड़ है। इस तरह नहीं चलता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये दिखाई उन्होंने, सबसे अच्छे ये जो करेक्टर्स इकट्ठे किए हैं, और क्योंकि वो बड़े अथेंटिक और रियल दिखाने थे तो इसीलिए। लेकिन लाजमी नहीं है कि सोसाइटी में जितने भी लोग हों उनमें कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ ना हो, हर एक के पास कुछ ना कुछ होता है, लाजमी है। आपके पास भी है, ये ना समझो, और कभी भी अपने आप को ना ये ना समझो ये मैं नहीं कर सकता। तो ये लड़के भी कभी कभी यही समझते थे कि यार ये कहाँ लेके चलेगा। और उस फुटबॉल मैच को भी दिखाया उन्होंने, टैलेंट देखा, अमिताभ बच्चन एक कोच के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने टैलेंट देखा है इनमें कि यार ये उन लोगों से जो वेल सूटेड हैं उनसे अच्छा खेल रहे हैं, तो वाई नॉट यूज़ देयर स्किल। अभी देखें सिंगापुर ने 30-40 साल पहले, वहाँ पे भी वही रक्षे चल रहे थे, अब पाँव वाले साइकिल वाले, लेकिन आज देखो क्यों डिवेलप हुआ है, उन्होंने लोगों पर इन्वेस्टमेंट की है। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हालात इस तरह के ये हैं वो हैं, नहीं। एट दी एंड ऑफ द डे जो आप कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट, उसका जो डोमिनो इफेक्ट कुछ भी होगा वो सोसाइटी पर नज़र आ जाएगा। तो अब ब्यूरोक्रेसी भी देखो उधर कैसे काम कर रही है, इनको नहीं आने दें, ये क्या है, इनका माहौल ये होगा। तो हर चीज़ को एजुकेट करने का टाइम आता है, वाई नॉट टुडे। तो अमिताभ बच्चन ने ये दिखाया है कि वाई नॉट टुडे। और वैसे भी वर्ल्ड बैंक में पता नहीं क्या है यार, मैं स्टैटिस्टिक्स में परफेक्ट नहीं हूँ, अपॉलॉजी करता हूँ। हर दिखाया कि साउथ एशिया में खुसूसन बहुत ज़्यादा लोग बिलो पावर्टी लाइन और स्लम्स में भी बहुत ज़्यादा है। मैं इवन एक दो जगह पर भी गया था यहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा यार हम पढ़ भी जाएं तो हमें सोसाइटी में एंटर होने से
डर लगता है, क्योंकि सोसाइटी ने हम पे ऊपर एक टैग लगा दिया कि भाई आप इस एरिए के हो, ठीक है, आप उधर जाओगे तो आपको लोग इस नज़र से देखेंगे। तो इवन आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ जाओ, जो भी पढ़ जाओ, कंप्यूटर ग्राफिक्स कर लो, कुछ भी कर लो, या अपना बिज़नेस खोलने की कोशिश भी करो, तो कहीं ना कहीं आकर लोग अगर आपको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर क्या होता है, वो दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर आई हैं, उन्होंने लोगों को एजुकेट किया, बड़े ज़्यादा क्रिएटिव लोग बना दिए हैं। अब वहाँ जाकर ये भी खतरा पड़ जाता है, ये फॉरनर लोग आ गए हैं, ये पता नहीं इनके दिमाग को ख़राब कर रहे। ओ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना कीचड़ या अपना गंद खुद ही आप साफ करें तो ज़्यादा बेहतर है, फिर दूसरों को भी नहीं करने देते। तो ये दिखाया गया है उधर, जैसे स्कूल में कह रहे थे, उनके साथ ही टीचर जिनकी एक टीम थी जिनके साथ फुटबॉल मैच हुआ, वो कह रहे थे सर नहीं ऐसे नहीं चलेगा, वो शर्त लगाते हैं, चलो मैच जीत जाते, मैच बहुत अच्छा है, आपको देखना चाहिए, उसमें दिखाएंगे बड़े अच्छा सर। और दूसरी चीज़ ये दिखाई गई है कि बल ओवरऑल अच्छा, मूवी अच्छी थी, लेकिन एट द एंड उनको चाहिए था कि इस एग्जीक्यूशन के लिए एक अच्छा मैच लास्ट पर भी रखते कि भाई इतनी सारे कुछ किया किस लिए है, ये तो नहीं है कि टीम बस तैयार हुई है, तैयार होकर गई है और कुछ हुआ नहीं है, तो कम अज़ कम ये चीज़ तो कमी थी। लास्ट नॉट द लीस्ट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें एक मैसेज दिया गया कि वी रियली नीड टू बिल्ड ब्रिजेस इंस्टेड ऑफ वॉल्स। तो सोसाइटी में अगर इसी तरह लोगों के स्किल्स को, क्रिएटिविटी को हम यूज़ करेंगे, तो उनका जो पुराना हिस्ट्री है, पास्ट है, उनकी टेस्टमनीज हैं, जिस तरह वो बता रहे थे अमिताभ बच्चन को, बहुत डिटेल्ड था, बड़ा अच्छा सीन था वो भी, कि सोसाइटी के वही सताए हुए लोग हैं जो हमने क्रिएट किए, और हमने उनको जॉब्स नहीं दी, हमने उनको बेनिफिट नहीं दिए, हमने उनको बेसिक राइट्स भी नहीं दिए हैं, तो उन्होंने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तो क्यों ना, क्योंकि फर्स्ट 20 ईयर्स जो होते हैं किसी भी बच्चे के, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। आपने उन 20 ईयर्स में, आप किधर भी देख लें, इधर इवन साउथ ईस्ट एशिया में या दूसरी कंट्रीज में, वो 20 ईयर्स में कोशिश करते हैं बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिंगुअल स्किल दिखा दें, टेक्निकल बना दें, प्रोग्रामिंग कर दें, या कहीं ना कहीं वो बंदा सर्वाइवल अपने पास खुद ही रखे, जाओ कम से कम घर बैठे तो कंप्यूटर पर काम करके पैसे कमा लेगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब मिलेनियल्स, हमारा ये मसला है कि हमने पिछली जो चीज़ें और अगली जो चीज़ें देख रहे हैं उससे पता चल जाता है कि यार ये चीज़ें इनके लिए बेनिफिट है, तो अब क्यों ना सोसाइटी का ये जो गंद है इस तरह ख़त्म किया जा सके। देखो, किसी भी स्लम में चले जाएं, वहाँ पे इतने ज़्यादा यंगस्टर्स होंगे, उनके स्किल को किसी ना किसी तरह यूज़ कर लें। एक और जगह मुझे याद आया, तो इवन रैप कर रहे हैं, रैप भी कर रहे हैं, तो रैप करने के बाद टीवी पे भी आ गए, टीवी के बाद यूट्यूब पे आ गए, फिर स्पॉन्सर्ड हुए, फिर कंपनीज ने उनको हायर किया है, आई थिंक गली बॉय भी इसी तरह थी शायद, मे बी, तो लेकिन मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी सोसाइटी के अगर आउटकास्ट लोगों को, या किसी, ये तो हमने बनाया ना, अगर उनको अडॉप्ट करते हैं, किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाते हैं, तो वो लाजमी बात है आपके लिए फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर बेरिंग मी, हैव अ ग्रेट वॉच, टेक केयर, एवरीवन स्टे सेफ, अपोलॉजी फॉर बीइंग लेंथी वीडियो, ओके, बाय बाय।